so let us uh, start the class because i uh, your mics because there is some disturbance coming from the background okay fine so uh, in the last class we already started vapor compression system now today we will discuss all these topics introduction what is the principle of uh, vapor compression cycle i think a spelling mistake there main parts temperature entropy pressure enthalpy diagram dry wet and superheated compression we i don't think we can reach up to here so we will discuss only first two or three topics here in this presentation so uh, first let us start with the vapor compression system what is the definition of the system now it is a method of producing refrigeration by removing heat from the refrigerated space using latent heat of vaporization of a refrigerant and rejecting the same

तो ये एक मेथड है जिससे कि हम रेफ्रिजरेशन uh, इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसमें सिंपल हम क्या अडॉप्ट करते हैं वट इज़ यू कैन टेक्निक वी इज बाई रिमूविंग द हीट फ्रॉम द स्पेस एंड वी रिमूव द हीट फ्रॉम द स्पेस यूजिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इसमें हम एक uh, जो है वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेफ्रीजेंट ठीक है उस रेफ्रिजरेंट जो है उससे हम उसके उसका लेटेंट हीट को यूज़ करके हम वहाँ से हीट को रिमूव कर, करते हैं और उसको रिजेक्ट क्या करते हैं कंडेंसर के अंदर या सराउंडिंग के अंदर सो वी रिमूव द लेटेंट हीट फ्रॉम द इोपरेटर कोयल एंड रिजेक्ट इट इन द कंडेंसर कोयल ठीक है सो दिस इज़ द यू कैन से बेसिक टेक्निक ऑफ पेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड आई विल ट्राई टू गिव मोर बेटर एक्सप्लेनेशन टू यू कि हाउ इट वर्क्स बाय सिंपल एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड सो बेसिकली दिस वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है इट वर्क्स लाइक अ हीट पंप इट इज बेस्ड ऑन रिवर्स साइकिल आपने कार्नऑट साइकिल सबने पढ़ा होगा ठीक है इट इज मोस्ट एफिशिएंट साइकिल इन थर्मोडाइनमिक्स नाउ नेक्स्ट स्लाइड में बेसिक्स जो है इसके मैंने आपको लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेपर कंप्रेशन सिस्टम की मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रेशर और बॉयलिंग टेम्परेचर जो है दोनों डायरेक्टली जो है दे आर पर्सनल टू इच अदर या दे आर इंटर रिलेटेड प्रेशर और टेम्परेचर का दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है प्रेशर एंड टेम्परेचर इवन प्रोड्यूस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यूजिंग वाटर हम पानी से भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वी नीड टू क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर अगर हम पानी का जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कम करते जाएँ तो वाटर कैन स्टार्ट बॉइलिंग इवन एट टेन डिग्री सेल्सियस एट वेरी वेरी लो प्रेशर वैक्यूम प्रेशर वाटर विल स्टार्ट बॉयलिंग एट टेन डिग्री सेल्सियस अब इसका मतलब यह हुआ कि वाटर जो है अगर टेन डिग्री पे बॉयल करेगा तो जो भी अगर सराउंडिंग्स या उसके आस पास जो भी चीज़ जो है टेन डिग्री से अबव है ऊपर उप से ऊपर टेम्परेचर उसका तो वाटर जो है वहाँ से इट विल एब्ज्जॉर्व हीट ऑटोमेटिकली एब्जॉर्व हीट, हीट फ्राम द स्पेस फ्राम द सराउंडिंग्स तो उसके आस पास हम जो है एटलीस्ट टेन डिग्री का टेम्परेचर मेन्टेन कर सकते हैं बाई बॉयलिंग वाटर एट वेरी लो प्रेशर तो इस तरह से हम वाटर से भी जो है वी कैन प्रोड्यूस अ रेफ्रिजन इफेक्ट ना बट फॉर देट वी नीड टू क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर और वेरी बहुत जो लो प्रेशर क्रिएट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग जो है पंप चाहिए ना उसके लिए तो वी नीड टू यू कैन से डू लॉट ऑफ मकैनिकल वर्क तो ये जो सिस्टम है ये फेसिबल नहीं है इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल सिस्टम सो इसको Uh, और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए या इसको और प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमने क्या किया वी हैव डिज़ाइन द रेफ्रिजेंट्स स्पेशल लिक्विड्स दैट कैन बॉयल इवन एट अटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है 1.01 पॉइंट बार ये इस पर भी वह बॉयल करना शुरू कर दे इसमें तो से एक है एमोनिया एमोनिया जो है इट कैन बॉयल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर पे अगर हम उसको बॉयल करते हैं तो इट कैन बॉयल एट माइनस थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस यानी इतना टेम्परेचर वो जो है मेंटेन कर सकता है ठीक है दिस इज सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड अमोनिया इसमें अमोनिया है उसका जो है सिलेंडर के अंदर आई थिंक टेन बार के आसपास प्रेशर होगा यहाँ पे यहाँ पे इसका वॉल्व लगा हुआ है और यहाँ से हमने क्या किया वी हैव कनेक्टेड अ कॉपर ट्यूब सिंपल एक लॉन्ग ट्यूब को हमने फोल्ड करके इस तरह से इस शेप में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस सिलेंडर के साथ वी हैव कनेक्टेड अ सिंपल कॉपर ट्यूब ठीक है कॉपर कोयल विद अमोनिया सिलेंडर और सिलेंडर को हमने इन्वर्ट किया हुआ यानी उल्टा किया हुआ ताकि लिक्विड ही अंदर आए इसके अब अगर हम यहाँ पे इफ वी रिलीज सम अमाउंट ऑफ लिक्विड इनसाइड दिस कोयल अगर यहाँ से हम वाल वाल को खोल के थोड़ा सा लिक्विड को एंटर करते हैं इस ट्यूब uh, के अंदर तो क्या होगा दिस देर इज अ प्रेशर वेरी हाई प्रेशर इनसाइड दिस सिलेंडर बट एज सुन एज यू ओपन द वाल जैसे हम वाल को खोलेंगे वट विल है लिक्विड विल एंटर इंटू अ लो प्रेशर साइड क्योंकि यहाँ पे जो है ये ट्यूब ओपन है इट इज़ ओपन टू द एटमोस्फियर तो यहाँ पे नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे अब यहाँ से टेन बार से एकदम लिक्विड जो है लो प्रेशर साइड पर है यहाँ से वॉल जैसे खोला हमने इट एंटर इंटू द लो प्रेशर साइड यानी इट एंटर वन बार अराउंड वन बार प्रेशर तो एट वन बार यू नो द एमोनिया बॉयल्स एट माइनस थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस यानी अब क्या होगा जैसी अमोनिया यहाँ पे लिक्विड एंटर किया तो इट विल अब्जॉर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और यहाँ पे क्या होगा द इट विल इंस्टेंटली चिल द दिस कोयल ये कोयल जो है इंस्टेंटली इसका टेम्परेचर माइनस थर्टी थ्री डिग्री जो अटेन हो जाएगा इस कोयल का तो वी कैन ईजली डू रेफ्रिजरेशन एट एनी स्पेस हम किसी भी जगह पे इस कोयल को यूज़ करके हम रेफ्रिजरेशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने इसको लेयर बिलो माइनस थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस वी कैन दिस प्रोड्यूस रेफ्रीजेशन इफेक्ट फॉर एनी यू कैन सी फूड आइटम्स तो इस कोयल को यूज़ करके जो है आराम से रेफ्रीजन अफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी आप देखो यू विल सी देर इज़ नो कम्प्रेसर देर इज नो कंडेंसर कोयल यहाँ कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर वट इज़ हैपनिंग हेयर वी आर रिलीजिंग द हाई प्रेशर एमोनिया इन टू द लोअर प्रेशर साइड एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ से हम एमोनिया जो है रिलीज़ कर रहे हैं बिकॉज देर इज़ नो एकोमिनेशन ऑफ वेपर्स यहाँ वेपर्स इकट्ठे नहीं हो रहे जैसे ऐसे वेपर्स बन रहे हैं अब यहाँ पर जब एमोनिया लिक्विड आएगा तो इट विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट लेटेंट हीट यहाँ से धीरे धीरे वो होगा नाइन्टी परसेंट लिक्विड रह जाएगा टेन परसेंट जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा फिर जैसे जैसे वो एडवांस करेगा इस कोयल में इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग मोर वेपर्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग सो एट द एंड ऑफ द कोयल देर मे बी टेन परसेंट लिकुड एंड नाइन्टी परसेंट वेपर्स एट व वेरी लास्ट एंड ऑफ द कोयल दिस ट्यूब देर मे बी हंड्रेड परसेंट वेपर्स अब इस वेपर्स को हम क्या करेंगे वी विल रिजेक्ट दिस वेपर टू द एटमोस्फीयर उसको एटमोसफियर में रिजेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी फ्रेश वी कैन रिलीज फो मोर दिस लिक्विड एंड टू द कोयल एंड इन दिस फैशन वी कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस कूलिंग इफेक्ट लेकिन अगर इस तरह का हम सिस्टम डिजाइन करते हैं यहाँ पर कोई कंप्रेसर नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए वी डोंट नीड एनी इक्विपमेंट इससे हम कूलिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हाँ जी लिस्ंग सो दिग्गेस्ट ड्रॉबैक इज आवर रेफ्रीजेंट इज गोइंग वेस्ट टू द सराउंडिंग्स वी आर रिजेक्टिंग देपर्स टू दाउंडिंग्स वी यू आर नॉट रिकवरिंग द वेपर्स सो इस तरह का सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होगा और इट इट विल डू लॉट ऑफ डैमेज टू दिन लेर वी हैव टू रिकवर दिज एमोनिया वेपर्स तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर बाकी का जो सिस्टम है वो सारा का सारा एक रिकवरी सिस्टम है वो वो कुछ नहीं कर रहा इट इज़ जस्ट रिकवरिंग द वेपर्स फ्रॉम द दिस कायल और ये जो कॉयल है ये उस सिस्टम के अंदर इसको हम कहते हैं इवोबरेटर कोयल इन दैट सिस्टम इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम उस टर्म्स में इसको हम इवोबरेटर कोयल कहते हैं जिसमें कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें कि लिक्विड लेट एंड हीट को एब्जॉर्व करके यहाँ पे कंडेंसर में रिजेक्ट करता है तो दिस इज द यू कैन से बेसिक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जी वो सिंपल है कि हमने किसी भी लिक्विड का बॉयलिंग को अगर हम उसको नॉर्मल एटमोस्फेयर प्रेशर भी बॉयल कर सकते हैं तो उससे हम कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट वही प्रिंसिपल है वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम ठीक है और उसकी लेटेंट हीट से हम जो हीट को रिमूव कर रहे हैं ठीक है तो आगे क्या है कि आगे जो यू विल सी द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं जस्ट आई थिंक फ्यू स्टूडेंट ज्वाइन आपको समझ आ रहा है कुछ है? गेट वट आई वॉन्ट टू से समझ आ रहाँ कुछ हेलो सर सो गुड सो नेक्स्ट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं सबसे पहले तो इवोबरेटर कोयल अभी जो हमने जो डिस्कस किया था इट एक्ट लाइक अ इवोबरेटर कोयल जहाँ पे कूलिंग हो रही है जहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इवोबरेटर कोयल करते हैं तो उसका सबसे मेन पार्ट जो है वेपर uh, सिस्टम का वो, वो है एबरेटर कोयल सो सेकेंड इज अ कंप्रेसर अब अगर आपने वेपर्स को नॉर्मल ऐसी एटमोसफी में डंप नहीं करना तो उसके लिए हमें एक कंप्रेसर चाहिए जो कि उसको रिकवर करे सारे वेपर्स को वहाँ से रिमूव करे सो वेप सेकेंड कम्पोनेट जो मेन कंपोनेंट है द मेन कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन सेकेंड इज़ कंप्रेसर नो कंप्रेसर मे बी रेसिक्रेटिंग और इट मे बी रोटरी टाइप ठीक है तो आजकल बहुत सारी ऑप्शन हैं रोटरी रेसिकोरेटिंग सेंट्रीफ्यूगल किसी तरह का भी हो सकता है वो तीसरा कंपोनेंट जो है मेन कंपोनेंट है वो कंडेंसर तो जैसे हमें नाम से ही वी कैन दिस जज की कंडेंसर का मतलब क्या है वेयर वी यूज टू कंडेंस द वेपर्स इन टू बैक इन टू द लिक्विड फॉर्म ये पर अपना माइक्स ऑफ कर दो यार प्लीज़ पिछले डिस्टर्बेंस आ रही है सो कंडेंसर इज अ कंपोनेंट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर ये भी एक तरह से हीट एक्सचेंजर है जिसमें कि हम द्वारा फिर क्या करते हैं जो लिक्विड का वेपर्स जो रेफ्रिजरेंट के वेपर्स बने थे उसको द्वारा फिर हम वापस वी कन्वर्ट वेपर्स बैक इंड द लिक्विड स्टेट ठीक है तो कंडेंसर में क्या हो रहा है वहाँ पर वेपर्स को कंडेंस कर रहे हैं तो दैट इज नो वाई इट इज़ नोन एज कंडेंसर कंडेंसर का जो है इट इज़ अ जस्ट लाइक अ हीट एक्सचेंजर होता है और ये किसी तरह से भी हो सकता है मे वी वाटर कूल टाइप बट मे वी एयर कूल टाइप हीट एक्सचेंजर नेक्स्ट कंपोनेंट जो है उसके बाद है एक्सपेंशन वॉल्व दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम एक्सपेंशन वॉल्व जो है ये हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड को जो है डिफ्रेंशिएट करता है तो एक्सपेंशन वाल्व को हम थ्रोटलिंग वॉल्व भी बोल देते हैं कई जगह पर ठीक है सो उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसीवर रिसीवर इज अ कंपोनेंट वेयर वी कलेक्ट द लिक्विड रेफ्रिजेंट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर

सो so, रेफ्रीजेंट जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी डिज़ाइन जो बनता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम का कि कंडेंसर कोयल की थिकनेस कितनी होगी उसका जो है ट्यूब का डायमीटर कितना होगा उसका इवाब्रेटर क्या ट्यूब की ट्यूब की थिकनेस कौन क्या होगी मटेरियल क्या होगा कोल्ड होगा एयर कोल्ड होगा वट एवर जो भी है वो सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो किस पे बेस होता है वो होता है कि हम रेफ्रिजेंट कौन सा चूज कर रहे हैं ठीक है सो so, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चूज द रेफिजेंट ऑनलीन वी विल मूव ऑन टू द डिजाइन स्टेट ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम इन द रेफेशन हिस्ट्री ये कम से कम आई थिंक दो सौ टू हंड्रेड ईयर से चलता रहा है वेपर कम्प्रेशन सिस्टम और अभी भी ये आज की डेट में भी दिस सिस्टम इज वेरी वेरी यू कैन से कॉमनली यूज एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स आपने कई जगह पर इसका जो है देखा होगा इसकी एप्लीकेशंस वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है इट इज़ यू कैन से वाइडली यूज्ड इन योर हाउसेस जितने भी आपके विंडो एयर कंडीशनर सिस्टम है ठीक है स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम है इनमें आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही है यूज़ हो रहा है इसमें आपको कंप्रेसर है कंडेंसर है एवोब्रेटर कोयल है रिसीवर है एक्सपेंशन वाल्व है तो ऑल दीज सिस्टम्स दीज आर टोटली प्योरली बेस्ड ऑन वेपर कंप्रेशन सिस्टम तो इसमें आपका जो कंडेंसर होता है वो एयर कूल्ड होता है इसी तरह से जो बड़े प्लांट्स हैं उसमें भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम है जैसे आपके जो मल्टी जो शॉपिंग मॉल्स हो गए मल्टीप्लेक्स हो गए सिनेमा सिनेमा थिएटर्स हो गए बड़े बड़े आप पे मैनी इंडस्ट्रीज देट यूज़ वेपर कंप्रेशन सिस्टम लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज़ प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ इन सभी में वेपर कंप्रेशन सिस्टम ही यूज़ हो रहा है क्योंकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैन भी डिज़ाइन टू अ वेरी ह्यूज कैपेसिटीज सो नेक्स्ट जो है What is the working of vapor compression system? Now, basically, a vapor compression system is comprises of four processes. First one is the throttling process. Second uh, process is evaporation process, which is happen inside the evaporator. Third process is known as compression process, which is uh, you can say take place in compress, the compressor. And uh, fourth. Process is known as condensation process, and this process takes place uh, in condenser. So these are the basic four uh, processes that uh, takes place in a vapor compression cycle uh, sy system. So that is why these all these four processes they combine together and made up, uh, make up a reverse Carnot cycle. So basically we can say that a, a vapor compression cycle is usually based on reverse Carnot cycle.

दिस इज़ यूर होल वेपर कंप्रेशन सिस्टम ठीक है दिस इज़ योर इवोब्रेटर कोयल दिस इज योर कंडेंसर कोयल हेयर इज योर कंप्रेसर सो फर्स्ट थ्रॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्राम हेयर दिस इज नोन एज एक्सपेंशन वॉल्व एक मैट uh, क्वान्टिटी में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही रेफ्रिजेंट जो है लिक्विड फॉर्म में यहाँ से हाई uh, प्रेशर से लो प्रेशर साइड पर रिलीज करता है सो थ्रॉटिंग प्रोसेस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस हेयर द हाई प्रेशर जो लिक्विड इज रिलीज फ्राम हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर रीजन सेकेंड एज अ लिक्विड एंट्रेंड टू द लो प्रेशर रीजन एंड टू द इवोपरेटर साइड तो बेसिकली यहाँ पर हो गया है थ्रोलिंग प्रोसेस के बाद जो लिक्विड रेफिजेंट है वो इवोपरेटर के अंदर एंटर करता है और सम ऑफ द लिक्विड इज इंस्टेंटली कन्वर्टिंग टू द वेपर्स ये हमने तुम्हें बता दिया है जिसको हम फ्लैश कहते हैं उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है इवोप्रेशन प्रोसेस इवोपरेशन का मतलब यह है कि इन दिस प्रोसेस द लिक्विड रेफिजेंट इज कन्वर्टिंग इन टू द वेपर फॉर्म यानी कि यहाँ पे उसका फेस चेंज हो रहा है अब फेस चेंज जब भी होगा तो वहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है सो हेयर द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन इज एब्सॉर्ब बाय द रेफ्रिजेंट एंड इन डूइंग सो इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम द लिक्विड टू वेपर फॉर्म तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली लेट हीट ऑफ वेपरेशन ऑब्जर्व हो रही है तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लेट हीट ऑफ वेपरेशन है जिसकी वजह से जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उस समय क्या होता है फेस चेंज जब होता है तो आपका टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट यानी कि टेम्परेचर विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एवोबरेटर कोयल वहाँ स्टार्ट से लेकर एंड तक उसका टेम्परेचर कॉन्टेंट ही रहेगा अगर उसका लेटर से माइनस फिफ्टीन डिग्री टेम्परेचर है तो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड ठीक है तो टेम्परेचर पूरी कोयल पे सेम रहता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ जिसके अंदर वेरी गुड थिंग अबाउट द वेपर कंप्रेशन सिस्टम वी कैन प्रोड्यूस अ वेरी इवन टेम्परेचर इन एवो बेटर कोयल सो तीसरा आपका प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज कंप्रेशन अब यहाँ पर रेफ्रीजेंट जो है वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा ये जो कॉयल पहले खाली थी एम थी अब यहाँ पे वेपर ने जगह घेर ली सारी वेपर्स की वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होती है इट टेक लॉट ऑफ वॉल्यूम इट मे टेक टेन टाइम्स मोर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लिक्विड ठीक है अब यहाँ पे अगर वेपर बनने शुरू हो गए और ये कंप्रेसर अगर हमने यहाँ पे नहीं लगाते तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन दिस लो प्रेशर साइड ऑटोमेटिकली बिकम द हाई प्रेशर साइड धीरे धीरे इसका प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा क्योंकि वेपर जैसे जैसे बनने शुरू होंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे स्पेस कम होनी शुरू हो जाएगी तो द लिक्विड विल स्टार्ट द वेपर विल स्टार्ट दिस पुटिंग प्रेशर इन द कोयल एंड आफ्टर सम टाइम द ऑल बोथ साइड द प्रेशर बिकम्स सेम और उस समय क्या होगा जैसे प्रेशर सेम हो तो क्या होगा देर विल बी नो कूलिंग बिकॉज कूलिंग इज ओनली हैपनिंग ओनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल तो अब यहाँ से वेपर को रिमूव करना बड़ा इम्पोर्टेंट है सो हु इज रिमूविंग द वेपर्स द वेपर्स आर रिमूव बाय द कंप्रेसर सो कंप्रेसर इज द कंपोनेंट विच इज कंटिन्यूअसली रिमूविंग द वेपर्स फ्राम द इवोबेटर कोयल एंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग द लो प्रेसर साइड सो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो है कंप्रेसर जो कि कंटिन्यूसली वेपर्स को रिमूव करके यहाँ पे लो प्रेशर साइड को क्रिएट कर रहा है यानी वैक्यूम प्रेशर को क्रिएट कर रहा है अगर ये यह प्रेशर यहाँ पे नहीं बनेगा प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट नहीं होगा इसके क्रॉस तो ये कूलिंग इफेक्ट इंस्टेंटली बंद हो जाएगा जैसे ही आपका कंप्रेसर बंद होगा यहाँ पर कूलिंग भी प्रोड्यूस नहीं बंद हो जाएगी तो तीसरा जो आपका कंपोनेंट कंप्रेसर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अब कंप्रेसर uh, uh, जो है लो टेम्परेचर और प्रेशर वेपर्स को वहाँ से रिमूव कर रहा है सक्शन लाइन की तरफ से और कंप्रेस कर रहे हैं उनको एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रिलीजिंग द सेम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर्स इन टू द कंडेंसर साइड तो इस तरफ जो वेपर्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है याद रखना और उनका प्रेशर भी जो है बहुत ज़्यादा हाई है ठीक है सो दिस इज़ द वर्क ऑफ कंप्रेशन द कंप्रेशन प्रोसेस अब लास्ट प्रोसेस कौन सा कंडेंसेशन लास्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन कंडेंसेशन नाम से पता लग रहा है कि इट विल डेफिनेटली इट विल हैपनिंग हेपनिंग साइड द कंडेंसर कंडेंसर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जो वेपर्स बने थे जो लिक्विड रेफिजेंट वेपर्स जो लिक्विड रेफ्रीजेंट ने लेटेड हीट को ऑब्जॉर्व करके इट कन्वर्ट इन टू वेपर फॉर्म तो उन वेपर्स को द्वारा हमने फिर कंडेंस किया और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया सो चेंज ऑफ फेस प्लेस एयर यहाँ रिवर्स हो रहा है अब यहाँ से वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है फेस यानी कि फ्रॉम वेपर गैसेस फेस टू लिक्विड फेस सो अगेन हेयर इन कंडेंसेशन ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट ठीक है सर टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कंडेंसर कोयल तो यहाँ पे आपका जो है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर्स जो है यहाँ पे वेपर्स आए यहाँ से वेपर्स को हमने क्या किया उसको उनको कंडेंस किया condense, उनकी जो लेटनिटी को हमने यहाँ से रिमूव किया उसको एटमोसफियर में रिजेक्ट किया और यहाँ से वेपर्स यहाँ पे ऑल देर आर ऑल वेपर्स एंड एट दिस एंड देर विल बी ऑल लिक्विड सो यहाँ आते आते उसकी सारी लेट एंड हीट हमने क्या किया रिमूव की और उसको द्वारा फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड देन वी अगेन कलेक्ट दैट रेफ्रीजेंट टू द रिसीवर अब यहाँ से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अगेन दिस लिक्विड दिस लिक्विड रेफ्रीजेंट विल रिलीज इन टू द लो प्रेशर साइड बाय द एक्सपेंशन वॉल्व फिर वही एवोप्रेटर एवोप्रेशन होगी यहाँ कंप्रेशन होगी यहाँ पे कंडेंसेशन होगी यहाँ पे फिर यहाँ पे एक्सपेंशन होगी सो लाइक दिस वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क्स लाइक दिस ठीक है इस तरह से ये साइकिल चलता है अब इसमें क्या है कि ये सारा जितना भी यहाँ से एवोब्रेटर के बाद जितना भी ये सिस्टम है ये सारा एक तरह से रिकवरी प्लांट है इवन वी कैन डू कूलिंग विदाउट दिस कंप्रेसर एंड दिस कंडेंसर को बट वी नीड टू रिकवर द वेपर सो वी नीड टू पुट ऑल दिस कंपोनेंट्स सो दिस इज हाउ यूर वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्क्स